अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबको खैर वाफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बैड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी बेसिकली तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी ख़राब थी कि हल्का फीवर हो रहा था। तो मैंने कल टेस्ट करवाया था, PCR, जो कि कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली आज उसकी रिपोर्ट आई है, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोरोना वायरस की। तो ये एक बैड न्यूज़ थी, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप प्लीज़ मेरी सेहत के लिए और इस वायरस से रिकवरी के लिए आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, और साथ ही अपना अपना भी बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, इस वायरस से बचने की पूरी कोशिश किया करें। बेसिकली मैंने जो फर्स्ट लहर थी इस कोरोना वायरस की, उससे बहुत ज़्यादा एहतियात की थी, और अल्लाह का शुक्र है उसमें मुझे इसने डैमेज नहीं किया था। और इस दफ़ा ये जो लहर आई है कोरोना वायरस की, इसमें मुझसे काफ़ी बेज्यादियाँ हुई हैं। जब मैं बाजार फॉर एग्जाम्पल जाता था या किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाता था, तो मास्क का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से अभी ये सूरत हाल है कि जो जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। तो आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें कोरोना वायरस से। ये लहर अभी जो आई है, ये काफ़ी ज़्यादा आम होती जा रही है लोगों में, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये वायरस डैमेज कर रहा है। आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलता। हालांकि मुझे जो इंडिकेशन थी वो नॉर्मल थी, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कि मसलन मुझे हल्का सा फीवर है और गला ख़राब है, ज़ुकाम है। गला ख़राब, ज़ुकाम और बुखार, ये तो हम आम तौर पे, हमें मौसमी बुखार भी होता है जिसमें गला ख़राब और ज़ुकाम होता है, तो मैं उसको वही समझ रहा था। लेकिन वैसे एहतियातन ही मैंने टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना वायरस का। तो खैर, अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई बात नहीं। उम्मीद है मैं जल्दी रिकवर कर लूँगा, हल्की स्टेज का ही है अभी, बट फिर भी मुझे कम अज़ कम 1 वीक से मैक्सिमम 2 वीक्स तक मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और मैं अपने ही घर में क्वारंटाइन हूँ। आप दोस्तों से अपील है कि प्लीज़ मेरी सेहत के लिए दुआ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने चेकअप करवाया डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज का ये वायरस है, जिसकी आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पैनाडोल की 2 टेबलेट्स लें, जब आपको, वो भी जब आपको बुखार हो, बगैर बुखार के वो भी पैनाडोल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी डॉक्टर ने कहा कि आप क्वारंटाइन रहें, अलहदा रूम में रहें, अपने रूम की सफाई वगैरह का ख्याल रखें, और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, और डाइट अच्छी लें। इसके अलावा जो मेरा गला ख़राब था, उसके लिए डॉक्टर ने कहा है कि आप ग्रीन टी यूज़ करें, और ग्रीन टी में आप अदरक डाल के वो पिए, उसका कहवा पिए, उससे आपका गला जो है वो सेट हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी जो मेडिसिन है वो रिकमेंड नहीं की डॉक्टर ने, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, नॉर्मल स्टेज का ये वायरस है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह करे ऐसा ही हो, ये वायरस जल्दी रिकवर हो जाए। तो उम्मीद है आप दोस्तों की दुआ से ये बहुत जल्द जो है वो रिकवर हो जाएगा। बाकी आप अपना और अपनी फैमिली को इस वायरस से बचाएं।